बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। प्यारे व्यूवर्स, आज हम अपने प्यारे से किचन में बना रहे हैं चिरगा लाहौरी चिरगा बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी सी ये रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर आपने देखना है। हमने सबसे पहले जो है एक कप हमने दही लिया, इसको अच्छे से हमने जो है बीट कर लेना है। इसमें कोई जो है गुठली ना रहे, कोई फुटकी ना रहे, तो आपने इसके अंदर ऐड करना है नमक और रेड चिली जो है, लाल मिर्च और गरम मसाला, कुटा हुआ ज़ीरा, धड़ा मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करें। इसमें हम तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे, सिर्फ हम जो है चिकन को मैरिनेट करने के लिए। हमने सब्ज़ मिर्च लिया है, सोया सॉस लिया है और चिली सॉस लिया है, विनीगर लिया है। हमने तकरीबन एक एक डेढ़ डेढ़ चम्मच हम सारी चीज़ों का ले रहे हैं, सोया सॉस और चिली सॉस का और विनीगर का। अजवाइन ली है मैंने इसके अंदर, ब्लैक पेपर ली है और इसमें अब हम ऐड करेंगे जो है ओलिव ऑयल, वो एक बड़ा खाने का चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये देखें, इस तरह से अच्छे से हम इसको मिक्स कर लिया है ताकि जो मसाले हैं दही में अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर हम इसको जो है हम एक फुल चिकन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने जो है पूरा चरगे का पीस लेना है, चिकन पूरा लेना है। तो ये देखें, इसको हमने इस तरह से कट लगाए हैं और इसके हमने हर कट के अंदर अच्छे से हमने जो मसाले को लगाना है ताकि हमारा जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा है। टेस्टी टेस्ट तभी आएगा जब हर जगह से कट लगे होंगे और मसाला इसके अंदर अच्छे से होगा। इसको हम तकरीबन पूरी रात के लिए हम छोड़ देंगे, ढक्कन दे के रख देंगे। अब हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम हमने करना है चूल्हे पे, हल्की आंच पे इसको रख देना है क्योंकि इसके अंदर हमने दही ऐड किया तो दही अपना पानी छोड़ देगी। ये देखिए, एक साइड भी हो गया। अब हमने दूसरी साइड भी इस तरह से करना है और फिर हमने इसको 5 मिनट का टाइम देना है। हमने इसको हाफ़ कुक करना है, फुल कुक नहीं करना। ये देखें, इस तरह से हमारा हाफ़ कुक हो चुका था। अब हमने ऑयल गर्म किया है कढ़ाई में से और फिर इसके अंदर जो है मैंने इस तरह से करके मैंने जो है चिकन को फ्राई कर, चिकन को चारों साइडों से अच्छे से हमने फ्राई करना है। नीचे से पहले हमने ऊपर से किया, फिर अब हम नीचे से करें, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड भी हम करेंगे। इतना हमारा चिकन होता है। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये देखें प्यारे व्यूअर्स, प्याज हमने ब्राउन करने हैं। एक हमने दूसरी बर्तन लिया, उसके अंदर हमने ऑयल डाल के प्याज डाले और बर्तन को हमने प्याज को फ्राई किया। अब हम इसके अंदर खड़े तमाम मसाले डालेंगे, काली मिर्च, लौंग मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इन सारी चीज़ों को हम प्याज जब फ्राई हो रहा है उसी टाइम पे डालना है ताकि इनका जो टेस्ट है वो अच्छे से आए। हर चीज़ का एक अलग से टेस्ट होता है। कुछ चीज़ों का बाद में डालने से अलग टेस्ट होता है, कुछ चीज़ों का पहले डालने से अलग टेस्ट होता है। तो जो चीज़ें पहले डाली गई हैं तो उनको प्लीज़ पहले ही डालें ताकि आपका जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, ज़ीरा डाला है, टमाटर ऐड कर दिए हैं, ये देखिए इस तरह से, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है। और हम इसमें ऐड करेंगे नमक अपने हसबे ज़रूरत, क्योंकि हमारा जो चिकन में है नमक ऑलरेडी है, तो हमने चावलों का इसमें नमक ऐड करना है। बिरयानी मसाला हमने इसमें ऐड करना है क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं, तो चरगा बिरयानी बना रहे हैं तो हम इसके अंदर चिकन ऐड नहीं करेंगे। चिकन हमारा जो है हमने चरगा इसका रेडी कर लिया। इस तरह से ये देखिए, मसाला अच्छे से भून के हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे, जितना हमारा जो चावल है उसी हिसाब से हमारा पानी ऐड करेंगे। ये देखें, अब हम इसको कवर करके अच्छे से हम उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखें, इंशाल्लाह अब हम इसको कवर कर देंगे तो इंशाल्लाह हमारे चावल थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम रखेंगे तो चावल इंशाल्लाह दम पे अब हम रख देंगे इसको, तो चावल तैयार हो जाएंगे। तो उसके ऊपर हम चिकन रखेंगे तो हमारा जो है चरगा बिरयानी है वो तैयार है। हमने पुदीना मैंने इसी तरह रख दिया है, बच्चे अगर शौक़ से खाते हैं तो इसके पत्ते वगैरह करके भी डाल दें। अगर आप इस तरह डालेंगे तो आपका टेस्ट इस तरह भी बहुत अच्छे से आएगा। ये देखिए, अगर बच्चे ना खाते हैं तो आप इस तरह से धो के अच्छे से वॉश करके आप रख सकती हैं। ये देखिए, हमारे चावल बिल्कुल रेडी है, हमने इसको सेट किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।